तो अभी मसला ख़राब हो गया हुआ है, मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो ये गाड़ी शो हो रही है, ये वाली अनबॉक्सिंग हो रही है वीडियो में। तो यहाँ पे जनाब मेरे पास थे तो अभी वैसे इसके कपड़े देख ले और मेरे देख ले क्या यार, वो तो मैंने सरप्राइज रखा हुआ था, मुझे नहीं पता था वीडियो एडिट करते हुए जनाब आ टपकेंगे वैसे वो ना शोर करो क्या वो गाड़ी लेनी है हाँ मेरी जान, अब मिल भी जाएगी तो कैसे चलाएंगे, अंधेरा हो गया। टाइम पता क्या हो रहा है, टाइम 8:30 हो रहे हैं और सदी वाले हैं और ये गांव के 8:30 हैं तो उस वजह से अदरवाइज इस टाइम लोग सो गए होते हैं। और ये या मोटरसाइकिल लेनी है, अभी मोटरसाइकिल लेनी है तो वो बाहर खड़ी है, अभी जाके बिठा दो, मुझे वीडियो तो एडिट करने दो, अभी इसको चुप कराते हैं और फिर बाद में देखते हैं। तो वीडियो का मेरे ख्याल से सुबह का क्या वेट करना है, अभी से शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, नई सुबह के साथ नया व्लॉग हो चुका है जी शुरू, लेकिन अभी सुबह रही हुई, अभी रात है और ये जनाब जो है ना इन्होंने मजबूर कर दिया है वीडियो शुरू करने पर। नींद आँखों में बिल्कुल भी नहीं है, इसको सुलाते सुलाते मैं सो जाता हूँ लेकिन ये नहीं सोता, ऐसे ही है। और इसकी आपीस जो हैं बहनें वो सो भी गई होंगी, वो लेट ही सो जाती हैं, लेकिन ये है कि ये देख लें कपड़ों की हालत है, ऐसे मिट्टी में खेलता है, रेत में खेलता है। तुम्हारी शिकायतें लगा रहा हूँ मैं, अब मेरे वाइट देख लें और इसके वाइट देख लें, और पिछले व्लॉग में इसके और मेरे वाइट सेम थे। ये पता नहीं किस किस चीज़ के दाग लगाए हुए हैं, जट छोटे बच्चे भी आएंगे, मैं और अब्राहम फातिमा और ब्रीरा और मामी बुला लो अभी फिर कहाँ बैठे। हाँ बाबा मुझे आइडिया है, पहले हमें छोड़ आए फिर नुनो को ले जाए, है ना इन्हें ले के आना। ठीक है ठीक है, सिर्फ अबूजा अहमद और फातिमा जाएंगे, ठीक है भी जाऊंगी मैं भी जाऊंगी। ये या ये ये बोलो ये यस। अभी बालों की ये हालत हुई हुई है, सारे के सारे नीचे से सफेद निकल आए हैं, ये और ये। तो इनको डाई करवाते हैं, कलर करवाते हैं। फर्क जेड़ा है ना ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਸਾਣੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ SMD ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦੱਸੀ, ਸਹੀ। ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਨ, ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ, ਉਤਾਰੇ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਲ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਨੋ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੋ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਦੋ ਬਟਨ ਦੇ, ਦੋ ਬਟਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਏ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਏ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਬਟਨ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
उसका रेट हमें 730 रुपए लगा है, जो सबसे कम रेट लगा है। हमने 3-4 शॉप्स जो देखी हैं उनमें से ये सबसे कम रेट है। तो उनसे ये भी हमने बात किया कि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है ओपल की शीट ही उठाते हैं। तो उसने कहा कोई मसला नहीं, बाकी चीज़ें आप और कहीं से ले सकते हैं, तो हम इस रेट में आपको ओपल की शीट दे देंगे। उसके बाद उन्हें गल कही कि सानू यह जरूर दसना जी कि साढ़े को दूसरा समान क्यों नहीं चुक रहे। उन्होंने फिर दसांगे कि सानू तुहाडे SMD दे रेट का नहीं समझ आती, थोड़ा रेट बहुत ज़्यादा। अभी जो है वो मुन्ना भाई आगे हुए थे, कह रहे थे कि सामान का क्या करना है, लाना है कि नहीं लाना। तो रेट जो शीट का है वो मैंने आपको बता दिया है, यानी मुन्ना भाई ने ही आपको बता दिया है क्या है। तो बाकी चीज़ों के भी रेट्स जो हैं वहाँ से कम मिले हैं, तो इंशाल्लाह उन्हीं से माल उठाया जाएगा। तो आज सुबह संडे है, तो ऑर्डर जो है वो मे बी प्लेस ना हो तो इंशाल्लाह कल जो है उन्हें ऑर्डर वगैरह सारा लिखवा दिया जाएगा और सोमवार या मंगल को सामान हमें मिल जाएगा, तो फिर वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू रख सकेंगे। तो अभी बाल जो हैं ये बाद में कटवाएंगे, कलर बाद में लगवाएंगे, लेकिन पहले मोहम्मद बिलाल को सरप्राइज़ दे लें क्योंकि वो डिले हो रहा है। इतनी धूल मिट्टी है गाड़ी पे, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ। इसने गाड़ी है ये गाड़ी है। किसकी है? मेरी है, मेरी। चलो घर 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 चलो। चलो चलो घर घर चलो घर चलो घर चलो घर चलो इधर इधर घर इधर फिलहाल इधर 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 गाड़ी इधर बदला एक मिनट मैं इसको फिट करता हूँ। नीचे या नीचे सीधी करो, इधर को करो। चलो तो अभी ये मैसेज सुने ते नाले आ लगया नेल कटर फाड़ लिया करूं ते टोपी मेरी एक लायो मतलब छज्जी वाली टोपी गर्मी वाली। ये कैसी डिमांड हुई? पहला मैसेज अस्सलाम वालेकुम काके भाई फारग होते यार जानू से और तो आ गए ले आइयो
और जाते हुए मैं नेल कटर लेके जाऊं और छत्ते वाली टोपी लेके जाऊं, तो अभी बाल फिर रास्ते में रह गए यार। अब कल बाल कटवाए जाएंगे। तो अभी बिलाल जो है, बिलाल और ब्रीरा लड़ रहे हैं। क्यों नहीं, नहीं। ब्रीरा भाई को भी जगह भाई दो, तो आगे बिठा लो ना। चलो चलो भाई बहन, हमें ऐसे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। चूने बोलूंगे बड़ी। हाँ जी, अभी जा रहा हूँ, दो कैप्स ली हैं मैंने जैन भाई की, और ये नेल कटर ये वाला। तो बस जल्दी पहुँच रहे हैं क्योंकि वो जल्दी पहुँच जाएंगे। गेट बंद करना होगा। बाल रहते रहते फिर रह ही गए। इंशाल्लाह अगर टाइम पे आ गए तो फिर बाल जो है वो कटवा लिए जाएंगे। अहमद और फातिमा की फिक्र हो रही है, उनसे मैंने वादा किया हुआ कि मैं उन्हें नाला डेक पे ज़रूर लेके जाऊंगा। तो इंशाल्लाह सुबह संडे है, तो संडे पूरा दिन जितना टाइम वो स्पेंड वहाँ पे कर सके उन्हें ज़रूर वहाँ पे लेके जाऊंगा। तो सारा दिन कल हमारा गुजरने वाला है नाला डेक पे इंशाल्लाह। धूप जब निकल आएगी तब हम चले जाएँगे, और जब तक वो थकेंगे नहीं वापस नहीं हमने आना। तो फ़िलहाल जैन भाई को लेने जा रहे हैं, उनकी तमाम चीज़ें हमने रख ली हैं, दो ही चीज़ें थी, तो कैब्स मैंने दो ली हैं। तो मिलते हैं फिर सियालकोट पहुंच के। भाई भाई ठीक है करम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह करम भाई, इधर गए तो चीज़ लेने आ जाते। कोयटा कोयटा ही आज पता चल गया, कोयटा तो ठीक है, सफर ठीक नहीं है। आपका थैंक यू, आप हमें लेने आ गए, टाइम पे आ गया हूँ। हमने खाना खाया हुआ है कल का, मतलब नॉर्मल जो भी खाया हुआ है आप ऐसे ना, हमने मुंह धोया हुआ आज। ट्रेन का सफर बस ऐसे ही चले हुए हैं। ट्रेन पे आए हैं जी जी। अच्छा, तो अब खाना खाएंगे या मुंह धोएंगे? खाना भी खाएंगे, उधर रेस्टोरेंट में जाके मुंह धोएंगे ना। आप नेल कटर लेके आए हैं? हाँ जी। ये देखे मेरे नाखूंस की हालत, मुझे इतनी आवाज़ आ रही है दीदी, मैं की दसा क्या बोलते हैं उलझन आवाज़ आ। मुझे नेल कटर या जल्दी बैठे बैठे चले, नेल कटर लेके आए हैं। कैप ये देखे, बालों को हाथ लगाएं, लोहे के हो गए, लोहे के कसम से। कैप कैप आ जाए, बैठे के बाहर ही चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। कपड़ों का बहुत बुरा हाल हुआ है। अब बताएं, मैं कह रहा हूँ हालत हमारी जो है ना, हालत हमारी बहुत ख़राब हो गई, वो पता चल गया। अच्छा, चले बैठे चले, सही सफ़र में ऐसे ही होता है। आप बड़े टाइम से आ गए। अच्छा, सफ़र वाले भाई साहब आ गए हैं। भाई मुबशर को कहाँ छोड़ा है? वो उधर से वापसी चले गए मुल्तान। क्या मतलब? वो एक दिन पहले हमसे निकले थे, वो मुल्तान वो आपसे अलग है, तो वो लेट आएंगे। पता नहीं क्या प्रोग्राम, कोई रबता नहीं है। चलो सर, सही बात है नसर भाई, पूरे दो घंटे ऐसे रहा हूं। नहीं, सीट पे आए हैं वो, पोस्टर पे आए हैं। जब आप लाहौर से जाया करते थे ना स्टूडेंट लाइफ में, वैसे वो वाली पोस्टर पे आए लाहौर में ना। अभी हम सोए नहीं है रात को, ट्रेन में बहुत बड़ा मसला, वो नहीं शिस्त मिली हुई थी, वो तो सब कुछ था लेकिन नींद नहीं आई। उसके अलावा हमारे पास कोई कंबल वगैरह नहीं था, वो ना 12 के बाद सर्दी भी लगना शुरू हो गई, इसलिए फिर यही बात सोचा कब कब कब, यानी कल हम 8 बजे बैठे, 8:30 बैठे ट्रेन पे, और आज 9 बजे हम पहुँचे हैं, 9:30 हो गए। मैंने जैन भाई को फोन लगाया, अच्छा एंजॉय किया, बस खाने की प्रॉब्लम, सोने की
और मुंह हाथ धोने की प्रॉब्लम। उसके अलावा ना स्टेशन पे आपको पता फूड जो है वो अच्छा नहीं मिलता खाने पीने की चीज़ें को, तो फिर हमने कोशिश की है कि थोड़ी थोड़ी खा के गुजारा किया जाए। तो अभी आज इधर आए हैं आप, इधर हम जो है वो पिछली सारी कसर जो है दाना नहीं डाल डाल दे कबूतरों के आगे, दाने खाए भी लंगर खाएंगे। गोली मिल देंगे स्प्रीन दी या पैन, इंतज़ार हो रहा है आज यही मुश्किल है बस इंतज़ार बड़ा मुश्किल है खाने का। फ्राइड राइस पुलाव कढ़ाई और दाल, खाना ज़्यादा इतना सफ़र करके आए हैं ना, इनको स्पाइसी खाना था कुछ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा लिया है। मुकर्रम भाई तबीयत ठीक है ना? हाँ आप ठीक है? सही है। मुकर्रम भाई, ज़ैन भाई, तो अब हम निकलेंगे घर को। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं भी घर पहुँचते हुए रात हो जाए। तो बस इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त, हम चारों आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और मुझे दुआ और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।